हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना की पाठशाला। तो आज मदर्स डे के मौके पर हम एक झटपट बनने वाली स्वीट बनाने वाले हैं जो कि लेफ्ट ओवर से बनती है, फटाफट बन जाएगी, बहुत टेस्टी होती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी किचन। तो आज हम एक लेफ्ट ओवर जो हम घी बनाते हैं देसी घी, उसका जो लेफ्ट ओवर होता है इसको मावा भी बोलते हैं, उससे हम एक मिठाई बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए जितना मावा है, एक कटोरी मावा, तो एक कटोरी दूध, साथ में कुछ कटे हुए नट्स, ये टोटली ऑप्शनल हैं, आपकी इच्छा है तो डालिए वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये है मिल्क पाउडर, राइट। और इसके साथ हमने ली है चीनी आधा कटोरी, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है। ये 3 चम्मच मिल्क पाउडर है। ये है आपका नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा पिंच एक इलायची पाउडर खुशबू के लिए। तो अब हम इसके साथ हमारे को क्या चाहिए, एक ऐसा बर्तन जिसमें हमने इसको जमाना है बर्फी को, तो उसके हम उसको हम गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे, सॉरी थोड़ा सा ऑयल लगा के। इसको हमने चारों तरफ से ऑयल लगा के इसको ग्रीसी कर लिया है। ये है हमारी अब गैस ऑन। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपना मिल्क, एक कटोरी मिल्क, और साथ ही इसमें हम ये डालेंगे जो हमने देसी घी के बाद हमारा घी ये मावा बच जाता है इसको, राइट। ये जो मावा आप निकालते हैं, जो आप देसी घी निकालते हैं, उसकी मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसको आप जब मलाई को आप इकट्ठा करते हैं तो उसको आप फ्रीजर में रखेंगे, तो उसमें से ना तो स्मेल आएगी ना इसका टेस्ट खराब होगा। अब ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी इसमें हम साथ साथ डालेंगे थोड़ा मिल्क पाउडर, एक दो और 3 चम्मच के करीब हमने डाला है इसमें मिल्क पाउडर। फिर खुशबू के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ इसको चलाते भी रहेंगे थोड़ा, जितना आपको इसमें कोकोनट डालना है उतना आप डालेंगे, हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आपको क्या करना है, 3 चम्मच बेसन को किसी नॉन स्टिक में या किसी भी कढ़ाई में आपने उसको भून लेना है, बिल्कुल जब अच्छे से खुशबू आने लगे। आप मिल्क पाउडर की जगह बेसन डाल के बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे बनाएगी। नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास बेसन होगा, ये लेफ्ट ओवर होगा, तो मैं आपको बेसन वाली भी बना के दिखाऊंगी जिसके हम लड्डू बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पानी छोड़ती है, इसको घुलने में टाइम लग जाता है। इसको हम चला करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती। 5 मिनट में बनने वाली मिठाई देखिए, बिना के कोई कट किए हम ये आपको पूरी वीडियो शेयर कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। आई लव ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट से मज़ा ही आ जाता है। इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए भी मैंने आमंड बादाम थोड़े काट के रखे हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये लीजिए हमारी 5 मिनट में बर्फी तैयार। जैसे ही इसने अपनी कढ़ाई छोड़नी शुरू की, इसका मतलब इट्स रेडी टू सर्व। इसको हम बनाने के बाद सेट करने के लिए 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख लेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, राइट। डालेंगे अपने बर्तन में, हमें इसको सेट करना है और इसको हम स्पैचुला की हेल्प से सेट कर देते हैं, साथ साथ भी सेट कर देंगे। एकदम बढ़िया बाजार जैसा कलाकंद आपका रेडी खाने के लिए। अब
अभी चूंकि ये बहुत गर्म है इसके पीसेस नहीं कट सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक लेकिन मुझे पता है मैंने कितने पीस काटने हैं, तो मैं इसके ऊपर एक एक आलमंड हाफ कट आलमंड जो है वो लगा देती हूँ। आपको रीना की पाठशाला में इजी इजी रेसिपीज, इजी इजी डीआईवाईज और इजी इजी डांस स्टेप, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। नाउ इट्स डन, थोड़ा हम वेट करेंगे, हमें 10 मिनट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसको फ्रिज में से निकाल लाई हूँ, इसको अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आपको जितने भी बड़े पीसेस में इसको कट करना है ना कट कर लीजिए, मैं एक पीस कट करके और इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी बर्फी हमारी खाने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसे बनाइए और इसके टेस्ट को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।